सबसे ज्यादा लोग भूखा इस देश में है और दूसरी तरफ हमारा गोडाउन में आई 1920 मिलियन मै, मैट्रिक टन जो अनाज है वो पड़े पड़े सड़ता रहता है तो पहली बोला ये संपूर्ण रूप से किसान विरोधी है और मोदी जो हार हुआ था तीन काला कानून वापस लेने के लिए मजबूर हुआ था वो इसका बदला ले रहे हैं कि सरकार गद्दार है सरकार किसान के साथ विश्वासघात कर रहा है सरकार शायद सोच रहा है किसान का जरूरत नहीं खेत मजदूर का जरूरत नहीं है गरीब का उसका जरूरत नहीं है उसका जरूरत है सांप्रदायिक वातावरण इसलिए हमारा कहना है कि इसके खिलाफ हमको दोबारा आंदोलन रिन्यू करना है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक केंद्र सरकार ने हाल ही में अपना आखिरी बजट संसद में पेश किया है इस बजट को लेकर किसान संगठनों ने अपनी आपत्ति जताई है क्योंकि उनका मानना है कि कृषि के क्षेत्र में चल रहे संकट को दूर करने के लिए ये नाकाफी है उन्होंने तमाम एग्जाम्पल्स दिए हैं चाहे वो नरेगा में कटौती का सवाल हो या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी भारी कटौती का सवाल है इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हनन माला हनन माला संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े लीडर हैं साथ ही में वो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया किसान सभा के उनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे हनंदा आपका अगर हम प्रेस स्टेटमेंट देखें तो आपने विस्तार में जो है तमाम आ, स्कीम्स के बारे में बताया है कि किन किन स्कीम्स में कटौती की गई है लेकिन अगर फिर भी हम आपसे चाहें कि आप बहुत ब्रीफ कमेंट दे पाए इस बजट के बारे में तो आप क्या कहेंगे पहले बात ये है ये जो बजट है ये संपूर्ण रूप में किसान विरोधी है खेत मजदूर विरोधी है और गरीब विरोधी है मजदूर विरोधी है ये सीधा है क्योंकि ये जो समाज का चार हिस्सा है इसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है दूसरे बात है ये बजट में जो बैलेंस किया है गरीब से पैसा कट के अमीरों को देने के लिए प्रावधान किया है हमारा जो पैसा काटा है करीब दो लाख करोड़ से ज़्यादा वो पिछले बजट में जो था उससे करीब दो लाख के करोड़ इसमें कटौती किया है और वो काट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिया है कैपिटल मीन्स पूंजी विनिवेश के लिए वो लोन देगा पैसा देगा पूंजीपतियों पुझी को क्रोनी कैपिटलिस्ट को कॉरपोरेट को जो पैसा गरीब से लेके अमीर को देने का ये दृष्टिकोण है ये दृष्टिकोण जो है ये देश का गरीब विरोधी है दूसरे बात है बजट का पॉलिसी में दो दृष्टिकोण हो सकता एक है कंजम्पशन ओरिएंटेड एक है इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड आज हिंदुस्तान का जो परिस्थिति चल रहा है पेंडो पेंडेमिक के बाद जो आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान दुनिया में गरे माने हंगर भूख का देश में ग्यारहवा स्थान है एक में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखा देश है सबसे ज़्यादा लोग भूखा इस देश में है और दूसरे तरफ हमारा गोडाउन में आई 1920 मिलियन मैट्रिक मै, टन जो अनाज है वो पड़े पड़े सड़ता रहता है क्यों पड़ता है क्योंकि लोग का कंजम्पशन पावर नहीं है परचेजिंग पावर रहता तो लोग भूखा नहीं रहता नहीं। उसका बस खरीदने का पैसा खमता होता तो खरीदते और खरीदते तो जमा नहीं होता बाज़ार में बिकता बाज़ार में बिकता तो मार्केट चालू रहता और उससे हमारा इनकम देश का बढ़ता था मगर सरकार का नीति के चलते ये हमारा जो खरीदने का क्षमता धीरे धीरे घट रहा है और पिछले चार साल को हम सब देखें तो देखेंगे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सिर्फ चार प्रतिशत के आसपास बढ़ा है बहुत ही कम बढ़ा है और जबकि जीडीपी बढ़ रहा है बोल रहा है पाँच प्रतिशत तो जीडीपी जितना बढ़ रहा है उससे कम प्रतिशत हमारा परचेजिंग पावर बढ़ रहा है तो हमारा सामान जमा हो जाएगा हम जो प्रोडक्ट भी कर रहे हैं वो तो बिकेगा नहीं वो भी हमारा स्टैगनेशन तैयार हो जाएगा हमारा मार्केट जाम हो जाएगा और उससे हमारा कारखाना बंद होगा बेरोज़गार फिर नया बढ़ जाएगा ये सरकारी जो नीति है ये और दूसरे जो बात है जो कैपिटल में खर्चा करने का जो है कर रहा है ये खर्चा किया है ये कॉरपोरेट को दिया जाएगा और ये हमारा देश में इससे ज़्यादा नहीं होगा कैपिटल प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशीन हो कुछ हो इम्पोर्ट करना पड़ेगा और वो इंपोर्ट करने का मतलब जो बड़ा रहा पैसा उसके बड़ा हिस्सा विदेश चला जाएगा और वो चला जाएगा विदेशी पूंजीपति के पास और देशी पूंजीपति उससे खरीद करके लाएंगे हमारा देश का वो इम्प्लेट हो होगा हो, 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 तब तो एम्प्लॉयमेंट बनेगा जो बाहर से सामान लाएंगे तो बाहर का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं उसके कारण तो एम्प्लॉयमेंट आज सबसे बड़ा समस्या है पैंतालीस साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में तो ये बजट जो है ना गरीब को न्यूट्रिशन दे के उसका खाना पीना इंश्योर करके उसको मैल न्यूट्रिशन से उसको बचाना और उसको जो गरीबी है उसका स्टार्वेशन है उससे प्रोटेक्शन देना ये दृष्टिकोण नहीं है ये है उससे पैसा काटा है कितना पैसा काटा है हम देखा है जैसे किसान बजट में हम लोग बोला कि किसान बजट में हमारा सरकार क्या किया जो पिछले बजट में पिछले साल बजट में एक लाख चौबीस हज़ार नौ सौ चौवालीस करोड़ किसी में था और इस बार हो गया एक लाख पंद्रह हज़ार पाँच सौ इकतीस करोड़ यहाँ करीब नौ हज़ार चार सौ तेरह करोड़ घटा है फिर जैसा मानरेगा में मानरेगा में हमारा पिछले बार जो खर्चा हुआ था एक सौ बारह एक लाख बारह हज़ार करोड़ पिछले साल में अरे मार्च उसको साठ हज़ार करोड़ रुपया फिफ्टी परसेंट मानरेगा घाटा वो गरीब को पैसा इसी तरह घाटा गया <coughs> फिर हमारा जो फसल बीमा योजना फसल बीमा योजना में वहाँ भी अठारह सौ पचहत्तर करोड़ घाटा कट लिया पिछले बजट से फिर हमारा पीएम किसान जो देता है उसमें भी हमारा आठ हज़ार करोड़ जो पाँच दो हजार चार छः हज़ार रुपया जो देने का बात है उसमें भी आठ हज़ार करोड़ कटा है इसमें एक सवाल मेरा। ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे जो खर्चा हुआ था इस बार दिया ही नहीं छः हज़ार सात सौ चालीस को तो इसमें आपको प्राय पंद्रह ऐसा हेड है हर हेड में हम देखें कि सीधा एक लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ इकतालीस करोड़ जो है एक सीधा गरीब का पैसा कट लिया और वो बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ाया बोला द, हम पिछले बार साढ़े सात लाख करोड़ था कैपिटल में इस बार दस लाख करोड़ ढाई लाख करोड़ जो बढ़ाया कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो हमारा एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ये इतना पैसा काट के यहाँ से घटा के के बढ़ाया तो ये दृष्टिकोण जो है ये अमीर पक्षधर है कॉरपोरेट पक्ष है गरीब विरोधी है किसान विरोधी है किसान और खत मजदूर का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ किसान का किसी बजट हम दिखाया आपको इतना घटा है और मनरेगा घट फिर फूड सिक्योरिटी जो है फूड सिक्योरिटी हमारा देश में फूड हमारा बोल रहे इक्यासी करोड़ लोग को हम देंगे राशन देंगे मगर उससे भी थर्टी वन परसेंट पिछले साल से घटाया पिछले जितना लोग को दिया था मैट पेंडेमिक के बाद उससे थर्टी वन परसेंट बजट उससे भी घट गया तो सामग्रिक रूप से देखो जो किसान मजदूर खेत मजदूर ग्रामीण मजदूर राशन उपभोक्ता ऐसा सारे जो लोग हैं इसके बजट से पिछले साल से जो बजट था उससे पैसा घटाया और कॉरपोरेट और कंपनी को इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा बढ़ाया जो कि हमारा ना भूख मिटाएगा ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा क्योंकि विदेश से आमदनी करोगे तो ज़्यादा पैसा विदेश चला जाएगा सो तो इसलिए और उससे विदेश जाने से बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट होगा हमारा पैसा जब विदेश जाएगा ऐसे के रुपया का दाम घट गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट होगा तो ये ये जो, ये जो दृष्टिकोण जो है ये देश के विकास के लिए नहीं है ये हमारा देश का सामग्रिक रूप से आर्थिक व्यवस्था को नुकसान करे सवाल उठता है वो सवाल आप लोगों से है ना आप लोगों ने पिछले साल एक मतलब पिछले से पिछले साल मैं ये कहूँ की इस देश की बहुत लंबी लड़ाई लड़ी किसान संगठनों ने जो है तीन कृषि कानूनों को लेकर लड़ाई लड़ी उसके बाद में आप लोग जीते भी इस सबके बावजूद अगर कोई सरकार किसान संगठनों की नहीं सुन रही है तो उसका क्या मतलब निकाला ये तो पहली बोला है, संपूर्ण रूप से किसान विरोधी है और मोदी जो हार हुआ था तीन काला कानून वापस लेने के लिए मजबूर हुआ था वो इसका बदला ले रहे हैं सीधा बदला रहे किसान हमको लड़ा हमसे खिलाफ किसान को सबक से कहेंगे उसको सब कुछ छीन लेंगे उसका प्रोडक्ट प्रोडक्शन छीन लेंगे उसका सब्सिडी छीन लेंगे उसके एम नहीं करेंगे उसके मुकदमा वापस नहीं लेंगे जो जो हमारा मांग था वो मांग सारे न कर रहा है ये मोदी का यही लक्ष्य है कि इस कारण मोदी का वही कारण है कि हमारा किसान को एक साझा देना एक बदला लेना ये बदला के दृष्टिकोण से बजट है इसलिए हम बोल रहे संपूर्ण रूप से गरीब विरोधी किसान विरोधी है जैसे हम कहें कि मतलब इसमें एक सवाल ये है जो आप पीएम पी किसान की बात कर रहे थे क्या आपको गवर्नमेंट का ये डाटा मिसलीडिंग लग रहा है कि हम 12 करोड़ लोगों को छह हजार रुपया देंगे क्योंकि अगर हम उसको करें तो बहत्तर हजार करोड़ का अलॉटमेंट होना चाहिए था लेकिन उन्होंने उन दिया साठ करो साठ हजार करोड़ ही तो क्या सरकार झूठ बोल रही है या फिर या फिर ये जो है दस करोड़ को ही जाएगा आप लोगों का पक्ष क्या है ये झूठ ही है जितना नंबर बोलता है सरकार उतना नहीं हो रहा जैसा मनरेगा जितना लोग को काम देने का बात कहता है अभी उसका आधा हो जाएगा और मानरेगा में वो ख़त्म करना चाहता है मानरेगा को क्योंकि मानरेगा में ये रिकॉर्ड होगा डिजिटल और मानरेगा गांव में होता है गांव में डिजिटल संभव नहीं होगा तो इसलिए धीरे धीरे वो इसी बहाना पे जब डिजिटल कर नहीं पा रहा है उसी बहाना में मानरेगा घटेगा मानरेगा को धीरे धीरे ख़त्म करना ये बीजेपी सरकार का एक लक्ष्य है आप लोगों ने अभी एक बहुत मैं ये कहूँ कि बड़ी रैली जो है जींद में की और उसके जब हम उस रैली को देख रहे थे उसको सुन रहे थे तो वहाँ पर राकेश टिकैत ने घोषणा की कि, कि, कि किसान आने वाले समय में लंबा आंदोलन करेंगे दर्शन पाल तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है क्या रणनीतियाँ बन रही हैं आने वाले समय में पर्टिकुलरली क्योंकि एमएसपी को लेकर लड़ाई तो अभी वहीं पे खड़ी है ना सरकार झुकी है ना ही आप लोगों आप लोगों भी पीछे हटे हैं या फिर आ, मैं ये कहूँ कि क्या बैक चैनल डायलॉग भी कुछ हुआ है सरकार के साथ सरकार बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा है हुँ? बिल्कुल किसान के साथ कोई बात नहीं कर रहा है और एक जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है लीगल ग्रंटी जो हमारा मांग है जिसके अलावा किसान बच ही नहीं सकता ये स्वामीनाथन कमीशन स्पष्ट रूप से बचा बताया किसान को बचाना है खुदकुशी से बचाना है भुखमारी से बचाना है स्टर्बेशन से बचाना है तो उसको खर्चा को डेढ़ गुना दाम देना पड़ेगा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जब ये है कोई रास्ता जब नहीं है सरकार उसी रास्ते को पकड़ नहीं रहा है सरकार जो रास्ता पकड़ रहा है वो रास्ता है जो किसान को समस्या से निकालने का जो तरीका है उससे उल्टा जा रहा है तो इसलिए हमारा एम के बिना हम बच नहीं सकता फिर भी सरकार एक झूठा एक नाटक किया है एक एम कमेटी बनाया सारे उसमें सारे ऑफिसर है और कुछ दलाल है जो एम के खिलाफ है जो अर्थविदिविद है जो सरकार का दलाल है एक भी किसान का प्रतिनिधि नहीं है तो इसलिए उस ना वो जन्म में उसका एबोर्शन हो गया और कमेटी बैठ के कुछ कर रहे हैं उसका तो पता अता पता नहीं है तो इसलिए ये जो परिस्थिति है तो सरकार सीधा किसान के साथ गद्दारी किया वादा करके वो नौ दिसंबर हमको लिख के दिया था जब हम आंदोलन विदड्रॉ करने गया तो विदड्रॉ करेंगे सिर्फ तीन काला कानून नहीं है और मांग क्या करोगे तब 9 दिसंबर हमको लिख के दिया है और उसमें छः पॉइंट दिया था एमएसपी एस पी कानून के बारे में चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में हमसे चर्चा करेंगे फिर हमारे साथ जो जितने केसेस थे वो केसेस विद्रॉ करेंगे फैमिली को जो क्षतिपूर्ति करना है शहीदों को गौन्पेस्ट उसको कॉम्पेंसेशन ये सब लिख के दिया था तो हम लिख के देने का उसी का पर ही हम विड्रॉ किया था तो इसलिए सरकार से वो इंतजार किया एक साल चला गया सरकार कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जब हमसे सरकार किसी तरह समस्या हाल करने का कोई नहीं उपाय नहीं देखा तब हम किसान सभा बोल एग्री जनरल बॉडी मीटिंग करके हम सोचा है, हमको दोबारा ये आंदोलन शुरू करना पड़ेगा मगर एक बात याद रखना आंदोलन का फॉर्म बदलता रहता है एक ही फॉर्म में आंदोलन चलता नहीं एक फॉर्म हुआ था दिल्ली घेर के बैठा था एक साल अगले फॉर्म फिर दिल्ली घेर के बैठना ना भी हो सकता ये राज्यों कैपिटल घेरने का सवाल हो सकता पूरा देश में बड़ा लड़ाई चढ़ने का आ, हो सकता पार्लियामेंट मार्च करके इस आवाज़ को दोबारा देशवासी के सामने लाने का होता था तो ये फॉर्म अलग हो सकता मगर हम आंदोलन को करेंगे एक आंदोलन हम पहले ऐलान किया जब मुजफ्फरनगर से दस लाख लोग का रैली से हम ऐलान किया था वो पिछले आंदोलन को इस बार भी हम जींद में लाखों लोग किसान मजदूर का रैली से ऐलान किया है कि सरकार गद्दार है सरकार किसान के साथ विश्वासघात कर रहा है सरकार हमारा मांग मान नहीं रहा किसान मर रहा है खुदकुशी घटा नहीं खुदकुशी एक साथ बीजेपी के राज में करीब एक लाख करोड़ लोग दोबारा खुदकुशी किया है और चीज़ों का दाम आसमान छू रहा है किसान एक बार बेचने का समय पैसा नहीं मिलता नुकसान और खरीदने के समय ज़्यादा पैसा देना पड़ता है किसान का जो डबल मार है ये डबल मार के कारण किसान और ज़्यादा परेशान है खेत मजदूर का काम नहीं है मान देगा सौ दिन का जाएगा छत्तीस दिन भी काम नहीं मिल रहा है और अभी तो और भी काम हो जाएगा तो ये सीधा हमला है किसान मज़दूर गरीब पर इसलिए हमारा कहना है कि इसके खिलाफ हमको दोबारा आंदोलन रिन्यू करना है तो ये रिन्यू करने के लिए हम जैसा ट्रैक्टर मार्च का कॉल दिया था छब्बीस जनवरी छः सौ जिला में हजारों किसान ट्रैक्टर लेके मार्च किया सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया है तो इसको बिल्डअप करना है आंदोलन तो बिल्डअप करता है धीरे धीरे तो इस सवाल में जब हम जींद में कॉल दिया है ट्रैक्टर मार्च करके पूरा देश में सचेत किया है सरकार को या किसानों को ये लड़ना पड़ेगा अगले प्रोग्राम हमारा होगा 9 फरवरी हमारे एस के का जनरल बॉडी मीटिंग है उसी दिन हम डेट तय करेंगे पार्लियामेंट मार्च के ऐलान है मगर कब होगा कहाँ होगा ये सब तो डिटेल्स नौ फेबर हमारा एस का जनरल बॉडी मीटिंग में तय होगा तो इसी तरह आंदोलन को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और इस सरकार को जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा ये आंदोलन किसी हालत में बंद नहीं हो सकता हो सकता क्योंकि हमारा जीने मरने का सवाल है द हर एक चीज की एक राजनीति होती है ना आ, जो तमाम सवाल आप कह रहे हैं उसमें मैं अगर आपसे कहूँ कि इस सरकार के पास भी बहुत कम समय है आपसे कहें तो कुल जमा जो है भारत मतलब तेरह चौदह महीने क्योंकि उसके बाद इस देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा जो किसान है उनके पास भी कम समय है कि सरकार से नेगोशिएट करके कुछ निकाल सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों को आ, हम जिसे कहें कि चुनावी उसमें अपील करेंगे आ, सरकार के खिलाफ नहीं चुनाव के पहले इस सरकार का जो एटीच्यूड है सरकार लगता है चुनाव के हिसाब करते तो किसान को कुछ कंसेशन देता सरकार शायद सोच रहा है किसान का जरूरत नहीं खेत मजदूर का जरूरत नहीं है गरीब का उसका जरूरत नहीं है उसका जरूरत है सांप्रदायिक वातावरण घृणा का हेट पॉलिटिक्स को बढ़ाओ घृणा को बढ़ाओ एंटी मुस्लिम कैंपेन को टॉप में ले जाओ फिर राम मंदिर दर्जा खोल के तब से मंदिर मस्जिद का राजनीति को आगे लाओ और उसको लोग का रोटी रोजी रोजगार खाना पीना न्यूट्रिशन ये सारे जो सवाल है इसको पीछे ढकेल के ये साम्प्रदायिकता का जो भावात्मक सवाल है ये सांप्रदायिक भावात्मक सवाल में चाहे माने सवार हो के वो सरकार चुनाव जीतना चाहता है इसका इंसानियत के लिए गरीब के लिए जनवाद के लिए संविधान के लिए कोई इसका दिलचस्पी नहीं है इस सरकार के एटीट्यूड में साफ दिखाई दे रहा है तो फिर वह जैसा वो सरकार हमला करेंगे हम उसको इससे ही प्रतिरोध करेंगे हम किसान मजदूर इकट्ठा होके हम दो लड़ाई लड़ रहे हैं एक है हमारा चार सौ संगठन इकट्ठा होके स्केम जो हमारा मुख्य मांग तीन चार है उसके लिए लड़ रहा है वो है संयुक्त आंदोलन है व्यापक आंदोलन है हर झंडा मिल एक साथ लड़ रहा है बाद बाद हम वर्ग संघर्ष को भी आगे चलाना चाहते हैं वर्गीय जो है कि वर्गीय जो है किसान मजदूर खेत मजदूर जो वर्ग है मेहनत का वर्ग है उत्पादनकारी वर्ग है तो उत्पादनकारी वर्ग पर सबसे ज़्यादा हमला हो रहा है इसलिए उत्पादनकारी जो वर्ग है हम तीनों मिलके बड़ा लड़ाई का तैयारी किया कर रहे हैं और हम ऑल इंडिया किसान सभा ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन और सी आई टी तीनों जो किसान मजदूर खेत मजदूर का संगठन है हम इसके खिलाफ़ कैंपेन शुरू किया है पूरा देश में जिला में ब्लॉक में गाँव में जॉइंट कैंपेन करके पाँच अप्रैल को लाखों किसान मजदूर पार्लियामेंट मार्च करेगा ये हमारा वर्गीय आंदोलन है मेहनत का वर्ग का एक वर्गीय आंदोलन सारी बाजू बाजू में व्यापक जनता के लिए एक व्यापक आंदोलन ये दीमुखी आंदोलन हमारा अगले लड़ाई का योजना है क्या आप ये कह रहे हैं कि किसान धर्म के सवाल पर नहीं बैठेंगे बैठ सकता क्योंकि हमारा देश में तो धर्म को मिसयूज करना ही हमारा देश का परंपरा है बीजेपी सत्ता में कैसे आया कोई अच्छा काम के वजह से नहीं आया आज आपको पिछले सरकार जब मनमोहन सिंह था सब लोग भ्रष्टाचार 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 जबकि आज प्रमाण हुआ वो जितना भ्रष्टाचार का आरोप था उसका टेन परसेंट भी सही नहीं था नहीं। और आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है उससे पचास गुण ज़्यादा भ्रष्टाचार है बीजेपी सरकार जैसा भ्रष्ट सरकार जिस तरह लूट रहा है जिस तरह आदानी आज सामने है आज भ्रष्ट का भ्रष्टाचार का मोदी का भ्रष्टाचार का प्रतीक है आदानी आदानी जमीन से उठ के आज दुनिया में तीन नंबर पूंजीपति बना था संपूर्ण रूप से मोदी का मदद से और मोदी उसको बढ़ाया सब जगह घुमा घुमा के काम दिलवाया सरकारी प्रतिष्ठान से उसको लोन दिलवाया आज देख रहा है किस तरह वो चीट किया देश के साथ और इस चीटिंग में मोदी एक बड़ा शरीक है तो इसलिए ये तो उसी लाइन में वो चलना चाहता है वो जनता को सेवा करके विकास करके वो जीतेंगे ऐसा मनसा उसको नहीं है वो उसका जबरदस्ती उसका गुंडागर्दी उसका अधिकार को संकुचित करो वोट दाने में लोग को रोको जैसे त्रिपुरा में गुंडागर्दी कर रहे हैं वोट देने में रोकना है उसके बाद पैसा को तो बेशुमार पैसा पैसा से वो बोलता ही है अमित शाह कोई भी चुनाव में कोई भी जीते सरकार हमारा है इससे बड़ा भ्रष्ट बात दुनिया में कोई सुना इतना बर्बरतापूर्ण भ्रष्ट बात जब चुनाव कोई भी जीते सरकार हमारा होगा ये तो सीधा ऐलान है हम चुनाव मानते नहीं हम जबरदस्ती करके गुंडागर्दी करके पैसा खर्च करके लूट करके खरीद करके हम सरकार बनाएंगे और सरकार बना के हम आदानी अंबानी जैसा बड़े बड़े आमिरों को और आमिर करेंगे और उसके पैसा लेके भ्रष्टाचार का एक हिस्सा पॉलिटिशियंस को मिलेगा उससे अपना बार बाड़ बार बढ़ेगा और अपना स्वार्थ को हिफाजत करेगा ये तो उसको नीति है तो इस नीति में वो चलता है मगर हमारा नीति है जनता का जो सवाल है बेरोजगारी है भूखमारी है अशिक्षा है पिछड़ापन है आदिवासी का समस्या हो रहा है जमीन उसका जमीन छीना जा रहा है फिर नया सिरे से कश्मीर में आज क्या हुआ वहाँ जनता को जमीन छीनने के लिए कानून आ, जो है वो जमीन ऑर्डर दिया है सारे जमीन कश्मीर का वो कश्मीरी लोग से छीना जाएगा ये जो पूरा देश में जो नीति का चल रहा है ये सब नीति है गरीब विरोधी किसान विरोधी अल्पसंख्यक विरोधी भी अल्पसंख्यक के लिए पिछले साल में अठारह सौ करोड़ का डेवलपमेंट का बजट था पिछले बजट इस बार घटा के पाँच सौ करोड़ कर दिया वन थर्ड कर दिया तो वो भट भी जाए माइनॉरिटी मा, 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 कुछ कंसर्न नहीं है आदिवासी माइनॉरिटी दलित उसका कोई कंसर्न नहीं है किसान मजदूर कोई कंसर्न नहीं है सबको लूटो और लूट को पैसे इकट्ठा करके अदानी अंबानी को फंड में डालो ये सरकार का नीति है इसलिए ये नीति संपूर्ण रूप से गरीब विरोधी है किसान विरोधी है शुक्रिया था तो आप देख रहे थे न्यूज क्लिक बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ